मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ आज बुधनी में हजारों पीड़ित किसान भाई ट्रैक्टर लेकर किसान न्याय यात्रा में सम्मिलित हुए। कांग्रेस अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता किसान न्याय यात्रा को लेकर बुधनी पहुंचे और सरकार से सोयाबीन के 6000, मक्का 3100 और गेहूं का समर्थन मूल्य 3250 रुपए करने की मांग की। देश में भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार नफरत और घृणा की है। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पर जिस तरीके से अनल गनल आरोप लगाए जाते हैं, उनको एक बीजेपी का विधायक कहता है कि राहुल जी की उनकी दादी जैसे हाल होंगे, फिर दूसरा विधायक कहता है उनकी जबान काट देंगे, फिर एक मंत्री उनको आतंकवादी कहता है, फिर एक मंत्री अलग अलग तरह की और भावनाएं व्यक्त करता है। ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर होता है। मैं आप सबसे जहां उपस्थित परिवारजनों से आग्रह करना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की ये डायरेक्ट इन डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी नफरत और घृणा से हत्या करना चाहते हैं? इनके नेतागण को अलग अलग तरीके से अलग अलग आरोपित कर रहे हैं, इसके हम सब हाथ ऊंचे करके निंदा करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी बोलते, सब एक साथ हाथ ऊंचे करो और निंदा करो इस पूरे वक्तव्य की। और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किसी नेता को राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बोलने वाले को कभी नहीं रोका, न कोई बीजेपी ने वक्तव्य दिया, न बीजेपी से ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए उनको उकसाती है। मैं एक बार फिर से सभी यहाँ उपस्थित साथियों से 6000 रुपया सोयाबीन के भाव होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे 3000 रुपये गेहूँ के दाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अरे 3200 रुपये धान के दाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। शिवराज जी यहाँ से विधायक बन के सांसद बन के देश के मंत्री बने, कृषि मंत्री, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम सब चलेंगे और फिर वहाँ पर आगे की बातें करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में आयोजित इस किसान न्याय यात्रा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किसानों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर गरीब किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, साथ ही भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। बता दें कि किसान न्याय यात्रा सुबह 11 बजे नंदगांव बस स्टैंड से शुरू हुई, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ किसान एकत्रित हुए और यात्रा निकाली। अभी तक कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन छतरपुर, दतिया, लहार, सागर, इंदौर में भी कर चुके हैं। कांग्रेस की सात सूत्रीय मांग: सोयाबीन 6000, मक्का 3100, गेहूं का समर्थन मूल्य 3250 रुपए हो, बढ़े हुए बिजली के बिल वापस लिए जाएं, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यकों गरीबों पर अत्याचार बंद हो, रेलवे एवं नेशनल हाईवे की भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा मिले, गौवंश की दुर्दशा के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन, प्रस्तावित रातापानी अभयारण्य में आदिवासियों के विस्थान का मुद्दा, प्रदेश की सबसे पुरानी गोसदन देलावाड़ी को दोबारा चालू करने की मांग।